फ्रेंड्स, मेरा नाम अमय भांडे और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अमय भांडे व्लॉग्स। तो आज है डे 4 मालवन में और सोचा कि यहाँ पे कुछ नज़दीक में कोई देखने के लिए कोई स्पॉट है वो देखूँ। तो एक दो स्पॉट्स है जो मैं एक्सप्लोर करने को कोशिश करूँगा, तो आप वीडियो में बने रहो, मैं जहाँ जहाँ घूमूँगा वहाँ पर आपको अपडेट करता रहूँगा। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं। अब हम आ चुके हैं राजकोट किले पर। मेरे पीछे आप देख रहे हो वो है श्री किले सिंधुदुर्ग, और जहाँ मैं खड़ा हूँ वो है श्री किले राजकोट। तो सिंधुदुर्ग किला के बारे में आपको पता रहेगा, छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे आदित्य देवत है उन्होंने 16वीं सदी में ये किला बांधा था। तो वो किला बांधने के बाद उन्होंने उनका नेवी भी डिज़ाइन किया था, इसके लिए उनको फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहते हैं। तो उनके ही सम्मान में 4 दिसंबर 2023 को जो नेवी डे सेलिब्रेट किया था गया था वो मालवन में ही किया गया था, और उनके ही सम्मान में यहाँ पे राजकोट किले पे उनका एक स्टैचू, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, पर उनका एक स्टैचू यहाँ पे उनके सम्मान में यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था। तो इनॉग्रेशन के लिए माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने अपने हाथों से ये छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला इनॉग्रेट किया था। तो मैं जैसे आपको एक झलक दिखा देता हूँ कैसा है। महाराष्ट्र स्टेट एमेच्योर एक्वेटिक एसोसिएशन की तरफ से चूला बीच के ऊपर स्विमिंग कंपटीशन आयोजित किया गया है। तो यहाँ पे सब छोटे छोटे बच्चे बड़े उनका एक कंपटीशन है, तो वहीं पे मैं आया हूँ। तो मैं देख सकता हूँ कि सभी छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्विमिंग कर रहे हैं समुंदर के अंदर। तो बोट से उनको अंदर लेके जाते हैं 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर उनका एक फेज रहता है, तो वहाँ से वो सब बच्चे स्विमिंग करके शोर तक आएंगे। तो बहुत एंटरटेनिंग और बहुत उत्साही वातावरण है यहाँ पे। तो जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। Thank you.
तीमत को अभी बोट में बैठ के अंदर लेके जाएंगे। इनका एक फेज रहता है 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो जैसे जैसे उन्होंने पार्टिसिपेट किया है वैसे वैसे डिस्टेंस पे इनको छोड़ेंगे और वहाँ से तैरते हुए ये सब बच्चे बाहर शोर तक आएंगे। तो इस कंपटीशन में पार्ट लेने वाले बच्चे हैं, बड़े हैं, वो एक ट्रेंड प्रोफेशनल्स है। इनका ट्रेनिंग, इनका जो प्रोफेशनल हिस्ट्री है, स्विमिंग हिस्ट्री है, वही चेक करके इनको इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए परमिशन मिलती है। ये बच्चे बड़े महाराष्ट्र के बहुत सारे एरिया से, अलग अलग एरिया से आए हुए हैं, जैसे नासिक से आए हैं, कुछ लोग नागपुर से आए हैं स्पेशली ये कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने के लिए। तो ये एक अच्छा एक्सपोजर है छोटे बच्चों के लिए भी, मतलब इतने डीप सी में स्विमिंग करना, कंपटीशन में पार्ट लेना, तो उनके लिए भी अच्छा एक्सपोजर है। साथ ही साथ ये जो मालवन एरिया है उनका भी टूरिज्म बढ़ जाता है इसके वजह से, मतलब जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं उनके साथ उनकी फैमिली आती है, तो यहाँ के आजू बाजू वाले सब जितने भी बिजनेसेस है, जैसे फूड बिजनेस है या होटल बिजनेस है, उनको भी रोज़गार मिल जाता है, उनको भी कुछ कमाने का ज़रिया मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो ये जो एसोसिएशन है उन्होंने चालू की है। मेरे हिसाब से ये लास्ट 2-3 सालों से चलता आ रहा है। मुझे आज चांस मिला यहाँ पे देखने के लिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मुझे यकीन है कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों, राजकोट फोर्ट और स्विमिंग कॉम्पिटिशन चिवला बीच पर देखने के बाद मैं अभी वापस मेरे स्टे पे आया हूँ। अब मेरी आज है मेरा वापसी का दिन, मुंबई वापस जाऊँगा। आज 4 दिन का स्टे था मेरा मालवन में, कुछ काम का, जैसे आपको पता है डिवोशनल ट्रिप था मेरा, तो वो ख़त्म हो गया है। सब डिवोशनल जगह पे घूम लिया हूँ मैं, दर्शन ले चुका हूँ मैं। तो अभी मैं जस्ट मेरे रूम पे जाता हूँ, पैकिंग वैकिंग करके निकलता हूँ। मेरी ट्रेन है शाम को कुड़ा सेशन से, जो है 12052 मडगांव मुंबई जनशताब्दी एक्सप्रेस। वापसी के सफ़र के लिए हम आए हैं अब कुड़ा सेशन पे। अभी यहाँ से हम 12052 मडगांव से मुंबई जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस पकड़ने वाले हैं। तो अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, प्लेटफॉर्म पे बहुत रश है। आपको जो पता है कि वो स्विमिंग कंपटीशन था, तो वो स्विमिंग कंपटीशन में जो पार्टिसिपेंट आए थे वो सब रिटर्न जा रहे हैं, तो उन्होंने ही पूरा रश कर दिया है प्लेटफॉर्म पे। तो एक्सपेक्टिंग अच्छा खासा रश रहेगा ट्रेन में भी, हमारा तो रिजर्वेशन है। ट्रैवल शुरू हो चुका है जनशताब्दी एक्सप्रेस से, होपफुली जल्दी पहुंचा दे। 12:30 का शेड्यूल टाइम दिखा रहा है दादर में, मैं दादर में उतरने वाला हूँ, बट ज़्यादा डिले ना हो वही एक्सपेक्टेशन है, होपफुली जल्दी पहुंच जाएगी।